हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आपको चार रेसिपीज सीखने को मिलेंगी। पहला हो गया वड़ा पाव, दूसरा बटाटा वड़ा, तीसरा सूखी हुई लाल चटनी और चौथा हरी चटनी। तो देखना तो बनता है, तो आप देखिए, ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए, पहला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। मसाला पेस्ट हम बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिए 12 से 13 लहसुन की कलियां, 3 इंच का मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 करी पत्ता, 6 से 7 हरी मिर्च और 1/4 कप हरा धनिया। इसे हमें पीसना है ब्लेंडर में डाल के। पानी नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा, सूखा हमें इसे पीसना है। इस तरीके से हमें इसे पीस लेना है। ये देखिए, तो ये मसाला पेस्ट हमारा रेडी है, इसे साइड में रख लेंगे। आइए, दूसरा स्टेप हम करेंगे, आलू मसाला बनाने का प्रोसेस। 2 चम्मच ऑयल हम गरम कर लेंगे कढ़ाई में। सरसों का तेल मैं यूज़ कर रहा हूँ, सेहत के लिए अच्छा रहता है। 1 चम्मच मैंने डाला है ज़ीरा, 1 चम्मच सरसों के दाने और 1/2 चम्मच हींग। हल्का सा इसे चला लेंगे कुछ सेकंड के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे मसाला पेस्ट, जो हमने ग्रीन मसाला पेस्ट बनाया था, डाल के इसे मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है करीब 2 मिनट के लिए। और इसमें हम डालेंगे ये बॉईल किए हुए आलू, मैश किए हुए। करीब 8 आलू मैंने बॉईल किए थे, उन्हें मैश करके मैंने डाल लिया है। ये देखिए, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू डाल के, जो ग्रीन पेस्ट हमने बनाया था, ग्रीन मसाला, हरा मसाला, उसके साथ आलू को अच्छे से हम ये मिक्स कर लेंगे। आइए, इसमें डालते हैं नमक, स्वाद के अनुसार नमक रखिएगा। और ये मैं डाल रहा हूँ इसमें अब धनिया पाउडर करीब 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद मिला लेंगे अच्छे से। और 2 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे, मध्यम आंच पे हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए, हमारा आलू मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है वड़ा बनाने के लिए, बिल्कुल रेडी है गाइस। इसे ठंडा कर लेंगे और जब ठंडा हो जाएगा हम इसके वड़े बनाएंगे। तो ये देखिए, मिक्सचर हम हाथ में लेंगे और इसका हम वड़ा बनाएंगे। आप राउंड शेप कर सकते हैं और हल्का से इसे फ्लैट भी कर सकते हैं, जिस शेप में आप चाहें। ये देखिए, मैंने हल्का सा फ्लैट किया है और इसी तरीके से सारे वड़े मैंने बना लिए हैं। और आइए, इसके लिए हम बैटर बनाएंगे। अब ये मैंने लिया है बेसन 200 ग्राम, चावल का आटा 4 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम, मिला लेंगे, हल्का हल्का पानी डालेंगे और इसका हम एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें गाँठे नहीं बननी चाहिए। तो पानी डाल के धीरे धीरे इसे चलाते रहिएगा, मिक्स करते रहिएगा। ये देखिए, इस तरीके का हम ये घोल बना लेंगे, जिसमें कि हम वड़े की कोटिंग करेंगे। तो ये मैंने तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में गाइस। अब हम जो आलू के वड़े हैं उन्हें हम डीप फ्राई करेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे बेसन में और इन्हें हम आराम से तेल में डालेंगे। हाथ नहीं जलने चाहिए, धीरे से डालिएगा। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है गाइस, ट्राई करिएगा। सारे स्टेप आप देखिएगा। और ये वड़ा को हम, सारे जो वड़ा हमने डाले हैं आलू के, इन्हें फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, और इन्हें हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर रख के एक प्लेट में। और इसी तरीके से हम सारे बटाटा वड़ा को हम फ्राई कर लेंगे गाइस। ये देखिए, तो हमारे वड़े बिल्कुल रेडी हैं। ये जो बेसन के छोटे छोटे पीसेज हैं तेल में, इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए, और हम अब कुछ हरी मिर्चों को हम फ्राई कर लेते हैं। हरी मिर्चें मैंने डाल ली हैं, इन्हें फ्राई करेंगे हम। ध्यान रखिएगा,
मिर्चों में आप हल्का सा कट कर लें जिससे कि वो चटके ना तेल में, और इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो आइए, पांचवा स्टेप है हमारा ड्राई चटनी बनाना। एक चम्मच हम पैन में ऑयल गरम कर लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें मूंगफली 100 ग्राम। 2 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे, भुनेंगे मीडियम फ्लेम पे। आइए डालते हैं इसमें 10 से 12 लहसुन की कलियां। हल्का सा और फ्राई करना है, 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे इसे, रोस्ट कर लेंगे। और आइए डालते हैं इसमें नमक, और ये मैंने लाल मिर्च डाली है 1.5 चम्मच। नमक स्वाद के अनुसार रखिएगा। हल्का सा इसे स्टर करेंगे, चलाएंगे, और इसे हम मिक्सचर को अब ऐड कर लेंगे एक ग्राइंडर में। इसका पाउडर बना लेंगे अब हम। तो हमारी लहसुन की सूखी चटनी रेडी है गाइस, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो आइए हम जो दूसरी चटनी है, हरी वाली चटनी, वो हम बना लेंगे। 1/2 कप मैंने लिया है धनिया की पत्तियाँ, 2 चम्मच मैंने लिए हैं मिंट लीव्स, पुदीना की पत्तियाँ सूखी हुई, 8 से 10 हरी मिर्चें, करीब 3 इंच अदरक का पीस काट के डाला है, 6 लहसुन की कलियाँ डाली हैं, 4 चम्मच दही, और नमक डाल लेंगे स्वादानुसार, और एक हम नींबू निचोड़ के डाल लेंगे इसमें थोड़ा सा खटास लाने के लिए। इस चटनी का मज़ा ही कुछ और है गाइस। उसके बाद हम ये इसे पीस लेंगे। देखिए इस तरीके से चटनी बिल्कुल रेडी है हमारी गाइस। फाइनली ग्रीन चटनी रेडी है। तो गाइस ये आखिरी स्टेप है हमारा, हम पाव को असेंबल कर लेंगे। चाकू से बीच में से काट लिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो ऊपर वाले हिस्से में जिसे हम क्लब बोलते हैं उसमें हम ग्रीन चटनी लगाएंगे हरी वाली, और नीचे वाला हिस्सा जिसे हम हील बोलते हैं उसमें हम ये सूखी हुई चटनी लगाएंगे। और बीच में हम ये वड़े को डाल देंगे। ये देखिए हरी मिर्च आप लगा सकते हैं जो हमने फ्राई की थी, उसके साथ आप खा सकते हैं ये चटनी। मैंने इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं, तो आप कम भी कर सकते हैं, मैंने ज़्यादा इसे चटपटा बनाया। तो इसी तरीके से हम सारे वड़ा पाव बना लेंगे। तो गाइस देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार है ना। ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।